विरार पश्चिमेतील सकपाळातील मदर टेरेसा रुग्णालय सध्या भलता चर्चेत आलेला दिसतोय. काही लोकांचा असा आरोप आहे की हे रुग्णालय अनधिकृत आहे, या रुग्णालयात पुरेसे कागदपत्र नाहीत. या दरम्यान आपण डॉक्टर विक्टर लोबो यांच्याशी चर्चा केली. पाहूया या दरम्यान विक्टर लोबो यांनी काय म्हणाले ते. विक्टर लोबो यांनी सर्व आरोप हे खोटे आहेत, असे आरोप हे बिनबुडाचे आहेत आणि सर्व आरोप फेटाळले. पाहूया या दरम्यान विक्टर लोबो नेमकं काय म्हणाले. मैं तो यही कहूंगा कि इसका कोई रियलिटी से कोई संबंध नहीं है. एक नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट जिसको भी जब भी देखना है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट मौजूद है. इसके पहले भी जिसने हमें पूछा है कि क्या बिल्डिंग इलीगल है या आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं है, आपके पास फायर का एनओसी नहीं है, ये सब एलिगेशन का पूरा सवाल का पूरा जवाब मेरे पास ये फाइल के अंदर पूरा मौजूद है. जिनको जब भी देखना है वो आके वेरीफाई करा सकते हैं और फिर जाके हमारे ऊपर एलिगेशन उठा सकते हैं. ये जितने भी एलिगेशन हुए हैं उनका एक टोटल पर्पज है. ये 51 बेड का हॉस्पिटल ये रूरल एरिया में पहली बार विरार वसई के अंदर शुरू हुआ है. इनको अप्रिशिएट करने के बजाय इनकी खामियां ढूंढने में लोग लगे हैं, और सब लोग नहीं लगे हैं, 80% से ज्यादा लोग हमारे साथ में हैं और ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है हॉस्पिटल, और ये महामारी में ये हॉस्पिटल आपने निकाल के लोगों की सेवा कर रही है. और इसके अंदर लेकिन खामियां तो लोगों को ढूंढनी है, और जितनी खामियां ढूंढते रहेंगे वो इतना हम सुधरते रहेंगे, हमारे काम भी हम सुधरते रहेंगे, वो तो हमारे लिए अच्छा है. लेकिन जो सही खामियां रहेंगी उसके ऊपर हाथ रखो, उसके ऊपर उंगली रखो, वो छोड़ के जो खामियां है ही नहीं उसको खामखा उठा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि चलो हम सेटलमेंट पे बैठते हैं या कुछ. ये लोग हमने तो ब्लैकमेल के लिए, मेरे को कितने लोग का ब्लैकमेल, अरे ये करो नहीं तो हमको इतना दे दो नहीं तो हम आपको ब्लैकमेल कर देंगे, ये कर देंगे. तो मैं ऐसे तमाम धमकियों से नहीं डरता हूं, ना मेरे से उसका कुछ रिश्ता है. जिसको जो भी डॉक्यूमेंट देखना है मेरे पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर मौजूद है, वो आके देखे, खुद को सेटिस्फाई करे और फिर एलिगेशन. सर मैं पूछना चाहूंगा डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है और कौन सा डॉक्यूमेंट पास में है. हाँ, अभी देखो इसके अंदर पूरे फायर का एनओसी चाहिए, ग्राम पंचायत की एनओसी चाहिए, पीएलआर चाहिए, प्रॉपर्टी अपने नाम पर है, सब डॉक्यूमेंट है, उसके असेसमेंट है पूरे, ग्राम पंचायत का कोविड हॉस्पिटल के लिए रिकमेंडेशन है, कलेक्टर का रिकमेंडेशन है, सीएस का अप्रूवल है चलाने के लिए, टच एंड ग्लो का अप्रूवल है, ओके, फायर बॉय का फायर एनओसी है हमारे पास, फार्मेसी के पूरे लाइसेंस बने हुए हैं, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के है, और हमने 51 बेडेड का अप्रूवल लिया, उसका फीस का पूरा हम पे किया, उसका हमारे पास रिसीट है, वीवीएमसी का परमिशन हमारे पास है. सब जितने भी डॉक्यूमेंट एक हॉस्पिटल प्रॉपर चलाने के लिए चाहिए वो हॉस्पिटल शुरू करने से पहले हमने पूरे ले लिए. ये तो पूरे गलत है, और उसमें उसका एक पर्पज है कि ये आदमी फिर डर के मारे हमारे पास आए, कुछ सेटलमेंट करे और फिर हम जाके इनकी न्यूज हटा लें. कोविड के माहौल में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि कोविड को लोगों को जितने को भी हम सेवा दे सकते हैं, हमारा तो 51 बेडेड हॉस्पिटल, इसमें हमने 10 बेड जो है इसके अंदर ये पूरे बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी क्लास के लिए हमने बेड का चार्ज कोई नहीं लगाते. जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए बेड कैटेगरी अवेलेबल है, नहीं पे कर सकते अगर उनको उसके प्रूफ दिखाते हैं तो हमने 10 बेड वैसे भी जनरल कैटेगरी में उनके लिए रखे हैं. उसमें से हमारे 8 बेड जो है आईसीयू के अंदर है वो आइसोलेशन है, एक मेजर ओपी है, माइनर ओपी है, सब फैसिलिटी हमने अंदर करके रखी. हम यही संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि अभी हम महात्मा फुले योजना शुरू करने जा रहे हैं, जितने भी योजना यहाँ के जो गरीब लोग है उनके लिए चाहिए वो भी हम पर्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और जितने भी हमारे पास फैसिलिटी है ये तो एकदम कम समय में हमने फैसिलिटी शुरू कर दी.
जितने भी हो सके उतना हमने करने की कोशिश कर रहे। हम ये नहीं कर कह रहे हैं कि 100% हमारे पास सब कुछ है इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन ये तो जरूर कहूंगा कि 90% तो हमारे पास है, और जो भी खामियां है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी जो भी है वो हम आने वाले कुछ समय में 3-6 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे।